अब हम दिल्ली में रहते हैं, वहाँ हवा दूषित है, लेकिन हमें आदत ही पड़ गई है उसमें रहने की। जो दूसरे शहर से लैंड करते कहते ओ हो आई एम कॉफिंग व्हाइल लैंडिंग ऑन द एयरपोर्ट, ऐसे अच्छा हमें तो पता ही नहीं चला क्योंकि हमें तो आदत पड़ गई है उसमें रहने की। लेकिन जस्ट बिकॉज हमें आदत पड़ गई है उसमें रहने की डज नॉट मीन कि वो पोल्यूटेड हवा हम पर असर नहीं कर रही है। कर रही है, एवरी डे कर रही है, कर रही है। जो नया आएगा उसको दिखता है, जो रोज रह रहे हैं उसको तो कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन उस हवा में भी कुछ लोग बीमार हो रहे हैं, सब नहीं बीमार हो रहे, कुछ लोग बीमार हो रहे हैं। हवा क्रिएट किसने की? वो पोल्यूटेड हवा क्रिएट किसने की? सबने की। असर किस पर हो रहा है? सब पर हो रहा है। बीमार कितने हो रहे हैं? थोड़े से हो रहे हैं। सिंपल है ये मॉडल, सिंपल है। इसको आप अपने घर में फिट कर सकते हैं, इसको आप अपने शहर में फिट कर सकते हैं, इसको हम अपने देश में फिट कर सकते हैं, इसको हम पूरे प्लैनेट पे फिट कर सकते हैं। पोल्यूट किसने किया? पोल्यूट इमोशनली पोल्यूट किसने किया? हमने किया। असर किस पर हो रहा है? असर किस पर हो रहा है? सब पर हो रहा है। बीमार कितने हो रहे हैं? थोड़े से हो रहे हैं। इमोशनल पोल्यूशन का असर हम सब पर हो रहा है। कैसे दिख रहा है? टेंशन हो रही है, चिंता हो रही है, फियर, ये सब डिस्टर्बेंसेस नॉर्मल हो गई, असर हो रहा है। बीमार कौन हो रहा है? बीमार कौन हो रहा है? असर सब पर हो रहा है, किया सबने, असर सब पे, बीमार कुछ लोग हो रहे हैं। बीमार कौन हो रहा है? हर रोज सुबह उठकर जब अखबार पढ़ते हैं और सुनते हैं, देखते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, वो स्टूडेंट्स ने ऐसा कर दिया, वो सारे वो हैं जो इस दूषित हवा की वजह से, इस दूषित हवा की वजह से बीमार हो रहे हैं। बीमार हो रहे हैं मतलब नेगेटिविटी सिर्फ मन में नहीं, अब अग्रेशन, फियर, इनसिक्योरिटी सिर्फ मन में नहीं है, सिर्फ वर्ड्स में नहीं है, अब वो इस तरह से बिहेवियर्स में आने लग गई है। लेकिन जब हम वो बातें भी सुनते हैं तो हम बैठ के बोलते हैं ये लोग देखो कैसे कर रहे हैं, एंड देन वी वॉन्ट देम टू चेंज, कि ये बदलें। अब ये कैसे बदलें? तो उसके लिए सरकार कुछ करे, ये कुछ करे, वो कुछ करे। द फिंगर इज नेवर कमिंग ऑन, द फिंगर इज नेवर कमिंग ऑन। क्या समाज का कोई भी एक वर्ग पूरे देश की हवा को बदल सकता है? लगता है? इज इट पॉसिबल? पूरे देश की हवा, इमोशनल पोल्यूशन को क्या कोई बदल सकता है? इमोशनल पोल्यूशन है, क्रिएट किसने की? हमने की। ठीक कौन करेगा? हम करेंगे। सिर्फ शोर मचा के, जोर से बोल के, क्रिटिसाइज करके, कंप्लेन करके, नीचे खींच के और उनका भी मजाक उड़ा के, हवा को साफ करने की बजाय, हवा को साफ करने की बजाय कई गुना ज्यादा उसको पोल्यूट कर देते हैं और फिर उसी हवा में रहना पड़ता है। अब इसको घर पे ले आओ, घर की एनर्जी को। सब अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी कमजोरियों के साथ दूषित करते हैं। असर घर में रहने वालों में सब पर पड़ता है। बीमार घर में कोई एक होता है, मतलब कोई ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, कोई रूडली बोलना शुरू कर देता है, कोई बहुत एंग्जाइटी में हो जाता है, किसी को पैनिक हो जाता है। बीमार कोई एक पड़ता है, दूषित सबने किया था, असर सब पे पड़ रहा है। और जब कोई एक बीमार होता है तो बाकी सब पर असर और ज़्यादा पड़ जाता है। जब वो और ज़्यादा पड़ जाते हैं, घर की एनर्जी और डाउन हो जाती है। जब और डाउन हो जाती है, जो बीमार था वो और बीमार हो जाता है। और अगर अभी भी हमने इसको कुछ नहीं किया तो ये डे बाय डे क्या होता जाएगा? अनप्रेडिक्टेबल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन बिकॉज वी हैव नो आइडिया कि हम कितनी लो एनर्जी में जी रहे हैं। अगर प्लेस ऑफ वर्शिप की एनर्जी किसी को सुकून दे सकती है तो एनर्जी ऑफ टर्बुलेंस
किसी के सुकून को खत्म कर सकती है। होता है कि नहीं, कभी एकदम शांत मन से कहीं जाते हैं और कहीं जाने के बाद लगता है यहाँ आके तो माइंड ही डिस्टर्ब हो गया हमारा। होता है या नहीं होता है ऐसा? तो सुकून को खत्म कर दिया किसी के, तो ये समय है। अब एक चीज को प्रायोरिटी बना लीजिए, मेरे घर की एनर्जी, मेरे घर की एनर्जी हाई होनी चाहिए। इतनी हाई होनी चाहिए कि जो आपके घर में एंटर करे, गेस्ट भी आए ना, वो ये आके नहीं बोले ये शोपीस बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर, वो आके बोले क्या इतनी अच्छी वाइब्रेशन है, यहाँ आते ही मेरा मन शांत हो गया। देन वी हैव अचीव्ड व्हाट वी वांटेड। ध्यान जाए ना सामान के ऊपर, पहला ध्यान किस पर जाए? बहुत ज्यादा फोकस हो गया सिर्फ उन्हीं बातों पे जो दिखती हैं, और जो नहीं दिखती हैं दैट इज कंप्लीटली बीइंग इग्नोर्ड। हमारा मन मन अगर खुश नहीं तो कंफर्टेबल घर में भी हम खुश नहीं, हमारे रिश्ते अगर स्ट्रांग नहीं तो हम कंफर्टेबल भी घर में खुश नहीं, अगर हमारा मन खुश नहीं तो सबसे अच्छा सामान होके भी बॉडी हेल्दी नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ को इग्नोर किया गया है। अब नया साल मतलब इसी चीज को अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बना दीजिए। प्रायोरिटी ऑफ द हाउस, प्रायोरिटी ऑफ द फैमिली, प्रायोरिटी ऑफ मी इज गोइंग टू बी इमोशनल हेल्थ। क्यों? ऑलरेडी इस साल WHO ने कहा हमारा देश डिप्रेशन में नंबर वन है, तो अब वो इमोशनल हेल्थ पे भी रही नहीं बात, वो मेंटल हेल्थ पे आ गए। अभी भी नहीं करेंगे तो अगले 2 साल में कौन सा स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा? फिर आज 1 in 4 नहीं ध्यान रखा तो 3 साल बाद 1 in 2 हो जाएगा। सब कुछ होगा लेकिन एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वी डोंट वॉन्ट आर लाइफ टू रीच दैट स्टेज, सो इट्स इम्पोर्टेंट वी टेक चार्ज ऑफ लाइफ बैक अगेन, नहीं तो वो हमारे हाथ से क्या होती जाएगी, स्लिप ऑफ हो जाएगी।